ऑल राइट दोस्तों, सो सामान हमने सारा बांध दिया है, निकल रहे हैं आज आगे के लिए। ये बहुत मुश्किल होता है यार बांधना, आसान नहीं होता, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये सामान को बांधना। ये हुई ना बात, स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा खड़ा है उतरते में, बाकी इतना नहीं है। 1 2 3 यस, चलो। सो वेलकम बैक माई YouTube फैमिली, आ गया है आपके लिए दूसरा एपिसोड इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है स्पीति राइड में। कुछ इस तरीके से हमारा रोड आइटनरी रहेगा आज का, और आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा यूनिक मिलेगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेवल से लेके हाइट लेवल सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। NH05 यही रोड मैंने कंटिन्यू किया शिमला से, और पहले मैं पहुँचा नारकंडा। चलिए देखिए मेरे साथ, लेट्स गो। दोस्तों ये रास्ता हमें पू वाला रास्ता लेना है, रामपुर वाला। नारकंडा एक बहुत अच्छा प्लेस है, आपको अगर हॉल लेना है काजा जाने से पहले आप ले सकते हो, और लेना भी ज़रूरी है। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी बॉडी अक्लाइमेटाइज हो जाएगी अगर आप रुक जाते हो नारकंडा या थियो या किसी स्मॉल टाउन में, लाइक रामपुर वगैरह में रुक सकते हो, तो इससे आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छा फील आएगा, और आपको हाइट पे एकदम जाने पर आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस नहीं होगा, जो कि AMS जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप नारकंडा रुकते हो, ये 8000 कुछ अप्रॉक्स की हाइट पर है, आप वहाँ रुकते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10000 हाइट होते ही आपको दिक्कत हो जाएगी। बट नारकंडा से नीचे, मतलब नारकंडा से जब आप आगे बढ़ोगे रामपुर के लिए, तो पहले आप नीचे उतरोगे, तो रामपुर काफ़ी नीचे आ जाता है, कुछ 3000 कुछ है, वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ गर्मी बहुत लगने वाली है, ऑक्सीजन की तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बट इस रोड का ध्यान रखना, ये स्मॉल बाईपास मैंने लिया था, NH05 से ही मिल जाएगा आपको रामपुर कनेक्ट करने के लिए। इसमें साइड में कुछ भी नहीं है, तो ब्रेक लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि राइड जितनी सेफ्टी करोगे उतने ज़्यादा सेफली आप घर पहुँचोगे। ये डाउन हिल से और रास्ता बहुत पतला है, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है इस वजह से। वाया रामपुर बुशहर होते हुए जाएगा रास्ता नाकों का, जहाँ पर हमें आज दूसरा हॉल लेना है। रास्ता काफ़ी अच्छा था अब तक, लेकिन अब से नहीं लग रहा मुझे कि कुछ गुड होने वाला है। रास्ते में छोटे छोटे ग्रेवल ज़रूर दिखते हैं, तो लिहाजा मद्देनज़र रखते हुए रोड कंडीशन को आप लोग उस हिसाब से ही बाइक चलाना, ये नहीं कि आपने सोचा कि खाली रोड है मैं भगा दूंगा इस पर डाउन हिल से, कुछ कोई कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेवल्स भी है कहीं कहीं पर, आपको दिखा देखो बजरी पड़ी है यार, तरीके से चलाओ, स्मार्टली चलाओ, बहुत ज़्यादा मतलब रैश ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है हाईवे पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यार देखो सैडल बैग वगैरह सब बंदे होते हैं, अगर आप बाइक को लिटाने की कोशिश करोगे ना टर्न पे, तो बैग अपने पोजीशन से हिल जाता है, जिससे बैलेंस आउट हो जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, जब भी आप राइड पे निकलो इतनी लंबी राइड पे, तो यार स्मार्टली चलाओ गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे स्मार्टली चलाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे वक्त से पहले और अच्छे से पहुँच जाओगे, जैसे कि कल हम पहुँचे थे, तो स्मार्टली चलानी पड़ती है। ये देखो कितना ज़्यादा डाउन हिल है, मतलब टर्न लेने के लिए भी गाड़ी को 2 बार सोचना पड़ेगा, कहीं कहीं पे बजरी पड़ी है, अगर हमने सडन ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी फिसल सकती है, इसको इंग्लिश में ग्रेवल बोलते हैं, बाकी चाहे इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो है तो ख़तरनाक। देखते ही देखते 5000 समथिंग सी लेवल की हाइट पर हम लोग आ गए, जिसका नाम था कुमार सेन, बहुत अच्छी जगह जहाँ पर खाना बहुत सस्ता और बढ़िया मिलता है। सो मैंने भी यहीं पर ही पेट पूजा करी, भूखे निकले थे, तो रास्ते में ये ढाबा मिला, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे और फ्रेश होंगे, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह। चले चलो फ़ोन निकाल लो अपना तुम। हमारे पास वक्त बहुत कम था, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग खाना पीना खा के फटाफट निकल गए। यहाँ से एक रोड मंडी और कुल्लू मनाली के लिए भी कनेक्ट होता है, बट हम निकल गए रामपुर वाले रोड पे, क्योंकि हमको काजा के लिए आगे बढ़ना है।
ये रोड बहुत चकाचक था देखने से, तो रनवे लग रहा था कि यहाँ पे प्लेन लैंड होगा। मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा रास्ता भी है काजा के लिए शिमला से। सो इस रोड पे मुझे क्या अच्छी बात मिली, आपको कुछ बाइकर्स दिख रहे होंगे इस वीडियो में आगे। ये एक बहुत अच्छा ग्रुप था 30 से 40 लोगों का, ये सारे फॉरेनर्स थे, और इन लोगों को तुम्हारे भाई ने कम्पीट करते हुए 1x1 बीट कर दिया अपनी 100 350 से। इन सब के पास 400 सीसी का एक कॉम्पैक्ट इंजन था एडवेंचर वाला, फिर भी आपका भाई जीत गया 20 किलो लगेज और 1 बिलियन के वेट के साथ। एक पॉइंट पर आगे जाकर इन लोगों ने मेरे को चेयर अप भी किया और हैट्स ऑफ भी किया कि यार आप बहुत अच्छा राइड कर रहे हो, हम लोग आपको पीछे से फॉलो करते आ रहे थे, आपने बहुत अच्छी राइड करी। सो थैंक्स टू दीज गाइज, ये बहुत अच्छे लोग थे। सो आपको किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी राइड पे कंटिन्यू रहिएगा। ये तो मेरा एक हिट ऑफ द मोमेंट था जो मैंने थोड़ा बहुत करा, और आप मीटर चेक कर सकते हो, ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं चलाई मैंने, केयरफुली राइड करी है। सो आप भी अपनी हेल्थ का और अपनी राइड का और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। यहाँ पे देखो दोस्तों, वहाँ पे एक छोटा सा टनल सा है, उसमें से निकल के आ रही है ये जो ब्रिज है इसके उस तरफ एक छोटा सा नीचे टनल सा है, उसमें से निकल के आ रही है पहाड़ के अंदर से। बहुत सुंदर है ये। यही कुछ 7-8 किलोमीटर का पैच था जो ग्रेवल था बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, हेलमेट के अंदर भी आ रही थी मेरे, क्योंकि मैंने शीशा खोला हुआ था। आपको यहाँ पे अप टू 40 तक आप क्रूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत करना, रिस्की हो सकता है आपके लिए क्योंकि लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है। और इसके बाद आपको रोड मिलेगा बहुत अच्छा चकाचक, क्योंकि आप एंट्री करने वाले हो रामपुर में जस्ट नाउ। सो रामपुर में आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना कम यहाँ पे एल्टीट्यूड था, मतलब 4000 कुछ एल्टीट्यूड था, ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा था 17.9% कुछ था। और यहाँ का आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आप घर से कुछ मत लाओ सामग्री, यहाँ से आप सब खरीद सकते हो, यहाँ पे पूरा मार्केट है, आप यहाँ से सारी सामग्री खरीदो कैंपिंग की बनाने की और आप यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ से बेनिफिट ये है आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है बहुत अच्छे दाम पर, मतलब 96 कुछ अप्रॉक्स था पेट्रोल, मतलब वही दिल्ली वाला पेट्रोल का प्राइस था। यहाँ से रोड आपको बिल्कुल अलग ही मिलेगी, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आप किसी टाउन या सिटी के होते हुए जा रहे हो, आप बिल्कुल आपको लग जाएगा कि हाँ यार मैं नाको या काजा की तरफ अब मैं निकल चुका हूँ, अब मुझे पूरा फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोड बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा और अब आप हाइट चढ़ने लगोगे धीरे धीरे। तो शिमला से आप जब काजा के लिए निकलते हो ना, उसका फ़ायदा यही है आप धीरे धीरे हाइट चढ़ते हो, ये आपको बॉडी के लिए आपके बहुत अच्छा, आपकी बॉडी अक्लामेटाइज हो जाती है। ये कुछ साइन बोर्ड है, इनको नज़रअंदाज मत करना, गूगल फॉलो करना गूगल मैप, बट साइन बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सो आपको साइन बोर्ड के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कोई रास्ते में आपको मिलता है, कोई ट्रैवलर मिलता है या कोई आपको शॉप मिलती है, जब भी आप उतरो उससे एक बार कन्फर्म कर लो अपना रास्ता, क्या आप सही रास्ते पर हो। तो ये जगह का नाम है ज्योरी, 5 किलोमीटर रहता है यहाँ से, NH05 यही वाला रोड है ये। फोन करता हूँ। हाँ बोलो। भी दिखाता हूँ ये देखो। हालत कुछ इस तरीके से हो रही है बाइक की। दोस्तों काजा से पहले नाको एक जगह है जहाँ पे मुझे रात होने से पहले पहुँचना था, बट यहाँ के ज्योरी पहुँचने के बाद मुझे एक संतुष्टि मिली कि अगर मैं नाको नहीं पहुँच पाया तो उससे पहले भी 2-4 हॉल्ट हैं जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ और अपनी रात बिता सकता हूँ, क्योंकि रात को हिल्स पे राइड करना रिस्की हो सकता है बाइक से। ये फंक्शन देख के दिल भर आया, मतलब अच्छा लगने लगा यार, कितना सही है ना, ये लोग रिचुअल्स को इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आने लगा था, दिल कर रहा था बस यहीं पर ही सारी चीज़ें अपनी आंखों में एकदम थाम लूँ, मज़ा आ गया यहाँ पर आके, एयर क्वालिटी भी एकदम सुपर फाइन। तो
कि यार लगता है मैं पहुंचने वाला हूं अपनी डेस्टिनेशन पे, बट असल बात कुछ और थी। अभी तो मैं रेकॉम्पियो तक भी नहीं पहुंचा था और रात बिल्कुल होने वाली थी। मतलब पहाड़ों में तो यही होता है यार, जैसे ही सूरज ढलता है एकदम से रात हो जाती है, उसे रात मान लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल मिला, काफ़ी सुंदर था, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा थी मन नहीं करा फ़ोटो क्लिक करना आने का। ये कुछ बाइकर्स हैं, ये आगे भी हमें मिले थे। और यहाँ पर एक चेंज मिलता है, यहाँ पर आपको चेक पोस्ट मिलता है जिस पर आपको चेकिंग करानी पड़ती है और एंट्री करानी पड़ती है। तो मैं रुको, मैं कह रहा हूँ एंट्री तो हो गई है, और भी लोग आए, ये भाई लोग भी हैं, तो रास्ते में मिले थे। आप लोग कहाँ से हो? पानीपत से आया तुम? और आप भी? अच्छा, वो नंबर उनका HR है तुम्हारा, ऐसे वो है ये दोस्त की भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हम इसकी ओनरशिप का क्लेम नहीं करते। अभी यहाँ कहाँ रुकोगे? अभी चितकुल। चितकुल जा रहे हो आप? मैं भी चितकुल का ही सोच रहा हूँ अभी, मैंने पहले नाको का सोचा हुआ था। नाको हो नहीं पाएगा ना, नाको टाइम ज्यादा हो गया, और फिर कंडीशन आप देख ही रहे हो कैसी है। हाँ आ रही है आवाज। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ गया। ओके ओके, चलो मिलते हैं चितकुल में। ठीक है भाई, जरूर मिलेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ अपनी आईडी में दिखानी है, आईडी भी नहीं मांग रहे, बाइक नंबर बता दो और नाम बता दो, बस हो गई एंट्री। चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद मेरे को लगा कि यार अब तो कोई भी चेक पोस्ट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। रास्ता इतने खूबसूरत होने लगा कि ये देखो छोटा सा केव आपको दिख रहा है ना, ये मेरा फेवरेट है, मुझे याद करके भी मज़ा आ रहा है। यहाँ तो मुझे लगा था कि यार अब तो बाइक रोकनी नहीं है, भगानी है, बट सूरज भाई साहब जा रहे थे नीचे और हमें उनसे पहले पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना था। काजा तो हम नहीं पहुँच पाए आज, लेकिन हम नाको पहुँचने का संकल्प ज़रूर रखते थे अपने अंदर। और यहाँ रास्ते में इतना मज़ा आया, वेदर बहुत ठंडा हो गया था, बारिश भी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ा परेशान किया बारिश ने। ये रोड तो मेरा फेवरेट हो गया कि इतनी बड़ी खाई लेफ्ट हैंड साइड से और मैं ऐसे बाइक चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे इसमें, बहुत एडवेंचर था। एक लॉस मेरा हुआ इसमें, जिस लॉस की वजह से मेरे आंसू भी निकले हेलमेट के अंदर और मैं कुछ नहीं कर पाया, वो लॉस था ये। तो इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि मेरा ये झंडा पता नहीं किस चीज़ में आके फटा है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि इसके लिए ही मैं ट्रैवल करता हूँ, अब मेरा ये झंडा ही फट गया यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार मुझे आगे ट्रिप करने का ही मन नहीं कर रहा अब तो। उस वक्त मैं चुपचाप बैठ गया था साइड में, लेकिन एक पुलिस अंकल ने मेरी हेल्प करी। उन्होंने क्या करा, उस झंडे को रोल अप कर दिया मेरे डंडे पर ही। उन्होंने बोला इसको फ्लाई मत करना, अब इसे ये फट चुका, आप इसको सरेंडर कर देना आगे किसी चेक पोस्ट पे। चेक पोस्ट पे तो मुझे कोई दिखा नहीं सरेंडर करने के लिए, बट मैंने आगे काजा में जाके इसे सरेंडर कर दिया था। सो यहाँ से रोड ऐसा होने लगा था ना यार, मतलब क्या ही मैं बताऊँ आपको, रोड इतना प्यारा हो गया था कि ऊपर से ऐसे, मतलब ये पहाड़ ऐसे जो कटा हुआ है ना, इसमें आपको बाइक चलाने में अलग ही फील आने वाला है। और बारिश का मौसम था तो यार आप समझ ही जाओ कितना मज़ा आया होगा मेरे को। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं यार इतनी वीडियोस नहीं ला पाता हूँ क्योंकि एज बीइंग अ मोटो व्लॉगर एंड ट्रैवल व्लॉगर, हम रोज़ रोज़ ट्रैवल नहीं कर सकते, हम एक डेटा बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एपिसोडिक कंटेंट अपना अपलोड करते हैं। सो दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है, आप विनती ही समझो मेरी, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। वांग तो ये जगह आ गई थी, यहाँ 5000 समथिंग की हाइट थी और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी ऑक्सीजन, कोई कम नहीं थी। खर्चम करके ये रास्ता जो आपका दिख रहा है ना, ये रास्ता आपको एकदम सपाट मिलेगा, मतलब इसमें आपकी कोई हाइट नहीं है, आपको बिल्कुल सीधा जाना है। आपको यहाँ पर आप क्रूज़ कर सकते हो, 90 क्रूज़ कर सकते हो आप बाइक,
डजेंट मैटर आपका कितना भी वेट है, 90 क्रूज करो, यहाँ पे जाम भी नहीं मिलता, ट्रैफिक तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। बट यार क्रूज करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, सेफ्टी, सेफ्टी इट्स फर्स्ट, ओके, सेफ्टी को प्रायोरिटी ज़रूर देना, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी का मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको ऑन द स्पॉट खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कितनी स्पीड पर अपनी गाड़ी क्रूज करनी है। अगर आप कार से जाते हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि कार पे बैठे हो तो मतलब कैसे भी ड्राइव करोगे, रैश ड्राइविंग यार हमेशा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ये खर्चम वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते मतलब ब्रिज क्रॉस करा देगा, और उसके बाद एक और बार ब्रिज क्रॉस कराएगा, फिर एक और बार ब्रिज क्रॉस कराएगा। तो ऐसा ये मत सोचना कि आप लोग रास्ते से भटक रहे हो, ये लैंडस्लाइड हो जाता है उस पहले वाले रास्ते पे, तो इसलिए ब्रिज क्रॉस करा के दूसरे वाले रास्ते से यहाँ पे जो होता है ना रास्ता पैसेज शुरू करते थे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से वेदर और रास्ता पूरा सुनसान हो जाता है, सुनसान का मतलब समझते हो ना आप लोग, लाइक आपको यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, यहाँ आपको रेकोंग पीओ तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, यहाँ पे रेकोंग पीओ से 2 किलोमीटर पहले मिल जाएगा, बट यहाँ से वहाँ तक के लिए कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई सुविधा नहीं है आपकी, कोई यहाँ से आपको ढाबा नहीं मिलेगा बीच में, आपको कंस्टेंट बाइक राइड करनी है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर दिन में ही आप इस रास्ते पे हो तो ज़्यादा बेटर है, सूरज ढलने के बाद आप राइड ना करें ऐसे रास्तों पे, क्योंकि इतनी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता आपको कि इस रास्ते पर कब क्या हो जाए। ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लगा, खास करके लिए अगर आप कपल राइड कर रहे हो रात को तो उसके लिए मुझे ठीक नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। दिन में ये इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा आपको, क्योंकि इस पर आप क्रूज कर सकते हो आराम से, बहुत चुटकी बजाते ही आपका ये रास्ता ख़त्म हो जाता है। सो ये एक और ब्रिज आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रिज पे ब्रिज आएंगे, क्योंकि तो पीछे कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो ऐसे दूसरी तरफ से ये लोग रास्ता खोल देते हैं। बाकी मेन रास्ता यही है आपका नाको जाने का, काजा जाने का शिमला से। ये रोड आप देख रहे हो ना कितना डबल लेन रोड है और पूरा अच्छे से बना हुआ है। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी बदल ली रेकोंग पीओ, क्योंकि सूरज बिल्कुल अबाउट टू डाई था, मतलब डाउन होने वाला था, तो मैंने सोचा यार आज रात मैं रेकोंग पीओ में स्टे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जर्नी कंटिन्यू करूँगा कल, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता, कंस्टेंट चलता रहता तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं नाको भी टाइम से पहुँचता। रात ज़्यादा हो जाती और फिर मेरे को दिक्कत हो जाती, खासकर मेरे पीछे बिलियन एक लेडीज़ है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा यार, आप भी रिस्क ना लो, खासकर अगर कपल राइड कर रहे हो तो। मैं देख के आता हूँ, ठीक है ठीक है। तो अभी पहुँचे हैं रेकोंग पीओ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कल्पा देवी मतलब कल्पा वाला रोड है, बट यहाँ पर रेकोंग पीओ में है हम अभी, और यहाँ रुकने का एक ही रीज़न है, हम पूरा जा सकते थे अभी भी नाको तक, बट ये जो पीछे मैडम बैठी है ये इनकी हालत ख़राब हो गई है, इनकी वजह से हमें आज एक नाइट एक्स्ट्रा करने पड़ रही है अपनी आइटनरी में, हमें यहाँ रुकना पड़ा रेकोंग पीओ में। होटल का एंट्रेंस कुछ ऐसे है, निर्वाणा फास्ट फूड, छोटा सा होटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। चलो मिलते हैं आपसे अंदर। कुछ इस तरीके से है रूम का व्यू, कुछ इस तरीके से है, मतलब ओ अब क्या यार, होटल का अच्छा एक्सपेक्टेशन कहाँ ही रख सकते हो अब अगर काजा जा रहे हो तो। अब तो बहुत कम है कि होटल हमको बहुत अच्छा मिल जाए, इवन काजा में भी प्रॉपर्टी बहुत कम है, जो अभी अभी बनी है वही कुछ होटल हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं, बाकी अब होटल नहीं मिलने वाला। अच्छा तो फिर हमने काम चलाने के लिए ले लिया होटल। दोस्तों दरवाज़ा खोला तो कुछ ऐसा मंजर है सामने, बहुत सुंदर लग रहा है यार, मतलब आइसबर्ग। हाँ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड थर्ड एपिसोड मैंने लगभग बना ही दिया है, उसमें थोड़ी सी वॉइस ओवर और एडिटिंग लगेगी, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, इतना वेट तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा जितना इस वीडियो में कराया था। सो अंत में मैं आपसे यही बोलूँगा, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि थर्ड एपिसोड आपको आते ही पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय फॉर नाउ।